लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबके मिटाए कष्ट कलेश ईश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है ज्ञानेश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है समय की सीमा श्री गणेश है अंत आरंभ व मध्य यही है भक्ति किए देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति भक्ति किए देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति निराकार साकार यही है हर युग का आधार यही है सदाचार की प्रतीक भक्ति हूँ मैं सत्यव्रती और सदाचारी का आभूषण पूजा हूँ तारकासुर विवाह की स्वीकृति देता है नंदी के संकेत पर शिवगण असुरों को आहत कर देते हैं कैलाश में शिव पुत्र के न मिलने से निराश कंप और अकंप ने आकाश में नारद को रोक लिया असुरों द्वारा मार्ग अवरुद्ध होने पर देवर्षि नारद ने हंसते हुए कहा नारायण नारायण तुम दुष्ट और हठी होने के साथ साथ बुद्धि हो ये तुमसे किसने कहा कि शिवपुत्र कैलाश में है हमारे स्वामी दुर्गाधिपति तारकासुर ने हमें कैलाश में जाकर शिवपुत्र को समाप्त करने की आज्ञा दी थी तुमने ही तो स्वामी से कहा था कि शिवपुत्र जन्म ले चुका है नारायण नारायण तुम तो मात्र मूर्ख हो किंतु तुम्हारा स्वामी महामूर्ख और महामूल बुद्धि है मैंने उससे ये कब कहा था कि शिवपुत्र कैलाश में है
तो फिर वो कहाँ है? तुम उसे ढूंढ ढूंढ कर मर भी जाओगे तब भी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। बताओ शिव पुत्र कहाँ है? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। अगम, क्यों ना हम इसे बांधकर अपने स्वर्गाधिपति तारकासुर के सम्मुख ले जाएं? अगम, शिव गणों के प्रहार से हम जितने आहत हुए हैं उससे भी अधिक आहत हम इस नारद को करेंगे। ये देखो कैसे थर थर कांप रहा है। हमारे प्रहार से पूरी वायु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता तो तब पड़ेगी जब ये हमारे प्रहारों से बच पाएगा। स्वामी के समीप ले जाने का विचार त्याग कर हम इसे यहीं समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, इन मूर्ख असुरों का मार्गदर्शन करें। सावधान असुरों, उधर देखो, शिवगढ़ तुम्हें खोजते खोजते इधर ही आ रहे हैं। जब तक शिवगण यहाँ आएंगे तब तक हम तुम्हारा वध कर देंगे। जीवित रहने के इच्छुक हो तो बताओ कहाँ है शिवपुत्र? नारायण नारायण। भाई असुरो, यदि मैंने तुम्हें बता भी दिया तब भी तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे। देखा, अपने ही प्रहार से एक और बार आहत हो गए तुम दोनों। शिवपुत्र नक्षत्र लोक में है। नारायण नारायण। नक्षत्र लोक? ये नक्षत्र लोक कहाँ है? कहाँ गए शिवगण? ये सब क्या माया है? रक्षा करो स्वर्गाधिपति तारकासुर, रक्षा करो। ये रहस्य हमें अपने स्वर्गाधिपति तारकासुर को बताना ही होगा। यदि ये समाचार भी असत्य रहा तो स्वामी हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। यदि ये समाचार सत्य भी हुआ तो भी हमारे स्वामी हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्या? अत्याचारी तारकासुर के भय से कंप व अकंप दोनों ही असुर चिंतित हो उठे और भय से थरथर कांपते हुए महाबलशाली स्वर्गाधिपति तारकासुर तक नारद द्वारा दी गई सूचना पहुंचाने स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरी ओर इन बातों से अनभिज्ञ महाबली तारकासुर के जीवन का आज एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। अपनी माता एवं पितामही की आज्ञा पर असुर तारकासुर ने राक्षसी शाम्बुकी से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुसज्जित वातावरण में नववधू शाम्बुकी लज्जा से सिमटी हुई बैठी है। पत्नी रूप में मुझे पाकर आप प्रसन्न नहीं हैं? जिस महाबलशाली महापराक्रमी तारकासुर को पाने के लिए मैंने महाहट किया था वे आप नहीं हैं। अर्थात अर्थात अपनी कल्पना में मैंने जिस तारकासुर से प्रेम किया था वो अपनी पितामही और अपनी माता की प्रसन्नता के लिए तीनों लोकों का सम्राट बना था। वो दैत्य जाति और दैत्य नारियों के प्रति मन में महान आदर रखता था, किंतु आप तो
तब से मेरी उपेक्षा ही किए जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, चमकी, मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। मैंने तो अपनी माता और अपनी दैत्य माता की आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि तुम मेरे बलशाली पुत्रों की माता बनने वाली हो। मुझे इसकी चिंता नहीं कि तुम मेरे पुत्रों की माता कब बनोगी। अर्थात महाबली तारकासुर के जीवन में मेरा स्थान उनकी पत्नी का नहीं, अपितु मात्र उनके पुत्रों को जन्म देने वाली माता का है। उपेक्षा के पश्चात ये अपमान भी मुझे प्रिय है सोनी, क्योंकि मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ। यदि आप अन्यथा ना ले तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? देखो शंभुकी, देखो, स्वयंभू तारकासुर के जीवन में स्थान को लेकर विवाद ना उत्पन्न करो। तुम एक नहीं अनेक प्रश्न पूछ सकती हो। पूछो, क्या पूछती हो? क्या मैं जान सकती हूँ कि तीनों लोकों के स्वामी इतने अधिक चिंतित, व्यथित और उद्विग्न क्यों हैं? अवश्य, मेरी चिंता का कारण तुम्हें पता होना चाहिए शामुकी। क्या कारण है आपकी चिंता का स्वामी? शामुकी, शिव पुत्र जन्म ले चुका है। सुना तुमने, शिव पुत्र जन्म ले चुका है। शिवपुत्र? किंतु शिवपुत्र के जन्म से आपकी चिंता का क्या संबंध स्वामी? संबंध है, घनिष्ठ संबंध है शंभुकी। स्वयंभू तारकासुर ने स्वयं ब्रह्मा से अपनी मृत्यु का वरदान मांगा था कि शिवपुत्र द्वारा मेरा वध हो। शिव ने योग और वैराग्य धारण किया था, इसीलिए शिव पुत्र के होने की संभावना ही नहीं थी, तनिक भी संभावना नहीं थी। किंतु अब शामुकी, शिव पुत्र मेरे काल के रूप में जन्म ले चुका है। मेरे काल के रूप में स्वर्गाधिपति तारकासुर के काल के रूप में। सुना तुमने? मैं अभी आई स्वामी। ठहरो शामुकी, कहाँ जा रही हो? आप तनिक ठहरे स्वामी। स्वयंभू, स्वयंभू, आप इसे धारण करें। यह क्या है शंभुकी? स्वामी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं एक राक्षस कन्या हूं, और राक्षस एक पल भी अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ते। इसे धारण करें और अपने शत्रु शिव पुत्र का वध करें। किंतु शंभुकी, आज तो हमारी पहली रात्रि है। स्वामी, ऐसे अनेक अवसर बार बार हमारे जीवन में आएंगे। आप इसे धारण करें और इसी क्षण अपने शत्रु का वध करें। स्वयंभू, मैंने शिव पुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शंभुकी, किंतु योजना सफल हुई अथवा नहीं ये जानने के लिए मुझे स्वर्ग लोक जाना होगा। आप विलंब न करें स्वामी, शीघ्र वहां जाएं। हाँ।
स्वयंभू स्वयंभू। ये तुमने क्या किया शाम्भू की? मैं कुछ समझी नहीं पिता मही। तुमने स्वयं उसे काल के समीप भेज दिया। आप निश्चिंत रहें दैत्य माता, मेरे स्वामी के समीप काल को आने से पहले मेरे सौभाग्य से टकराना होगा। अर्थात? अर्थात राक्षसों में कोई भी स्त्री एक पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती दैत्य माता, किंतु आपकी पौत्र वधु ने आपके पौत्र तारकासुर को जन्म से ही अपना पति माना है और इसीलिए एक पतिव्रत धर्म का पालन भी किया है। तुम सत्य कह रही हो पौत्र वधु शाम्भू की? परम सत्य दैत्य माता, परम सत्य। इसी कारण मुझे विश्वास है कि मेरा एक पतिव्रत धर्म कदापि पराजित नहीं होगा। मेरे सौभाग्य से दैत्य जाति का उत्थान होगा और मैं महाबली तारकासुर के पराक्रमी पुत्रों की माता बनूंगी। उससे पूर्व दैत्य माता, शिव पुत्र तो क्या स्वयं काल भी मेरे स्वामी का बाल बांका नहीं कर सकता। शाम्भू की, तुम्हें तारकासुर की पत्नी के रूप में पाकर मैं अति प्रसन्न हुई। मेरे आशीर्वाद के कारण तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुए बिना संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारे सौभाग्य को कलंकित नहीं कर सकती। ये दक्ष पुत्री दैत्य माता दिति का अटल वाक्य है, अटल वाक्य। देवी अदिति, महागणेश पूर्ण आहुति के लिए समस्त सामग्री यज्ञ कुंड को समर्पित करो। जो आज्ञा स्वामी। ओम आदिदेव महागणेशाय नमः। ओम आदिदेव महागणेशाय नमः। ओम आदिदेव महागणेशाय नमः। ओम आदिदेव महागणेशाय नमः। दर्शन दे महागणेश, दर्शन दे महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश। हे विश्व को वरदान देने वाले, हे जीव मात्र पर कृपा करने वाले श्री महागणेश, हे विनय के आभूषण विनायक, हे परम देव श्री महागणेश, हमारे महागणेश यज्ञ को सफल सिद्ध करने के लिए आप हमें परम पावन दर्शन देकर धन्य करें प्रभु। दर्शन दे श्री महागणेश, 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 कृपा करें श्री महागणेश। हे भगवत्सल दर्शन दे, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे प्रभु दर्शन दे, दर्शन दे श्री महागणेश, श्री महागणेश दर्शन दे, दर्शन दे श्री महागणेश। तुम दोनों का कल्याण, तुम दोनों की भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं। हमारी भक्ति की अमर शक्ति पाकर तुम दोनों का नाम इस संसार में सदा सदा के लिए अमर रहेगा। आपके परम पावन और मंगल दर्शन करके हमारा जन्म सफल हुआ स्वामी। हे विघ्नों का अंत करने वाले विघ्नेश्वर श्री महागणेश, आपकी कृपा से हम धन्य हुए। प्रभु यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? अवश्य। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? शिवपुत्र कब प्रकट होगा? हे परमदेव, तारकासुर के भयानक अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वीवासियों की पीड़ा अब हमसे देखी नहीं जाती। भक्त शिरोमणि कश्यप, आप वास्तव में भक्त कहलाने के योग्य हैं। एक भक्त का ही मन दूसरे की पीड़ा से पीड़ित हो सकता है। मेरी प्रसन्नता के कारण आप महान से महान वरदान प्राप्त कर सकते थे,
किंतु आपने पृथ्वीवासियों की पीड़ा के अंत का उपाय पूछा। ये सुनकर हम प्रसन्न हुए। स्वामी, ये सब आपकी कृपा और भक्ति का ही परिणाम है, अन्यथा मैं इस योग्य कहां हूं? भक्त शिरोमणि कश्यप, शिवपुत्र के जन्म के विषय में संदेह ना करें। हमारे संकेत से सत्य का अनुभव तुम्हें स्वयं ही हो जाएगा। आदि देव, देवी दिति पौत्र तारकासुर का विवाह रचाने गई हैं। क्या वो विवाह संपन्न होगा? शंबुक राक्षस की पुत्री शंबुकी के साथ तारकासुर का विवाह संपन्न हो चुका है। एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली शंबुकी इस संसार की पहली राक्षसनी होगी। एक पतिव्रत धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के कारण ही शंबुकी तारकासुर के 3 महापराक्रमी पुत्रों की माता बनेगी। सर्वेश्वर, इसका अर्थ ये हुआ कि संसार को कई युगों तक दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित होना होगा। भक्त श्रेष्ठ कश्यप, जिस प्रकार तारकासुर का वध शिवपुत्र द्वारा होगा, उसी प्रकार तारकासुर के पुत्रों का वध स्वयं शिवजी करेंगे। तारकासुर के पश्चात दैत्य जाति का चरमोत्कर्ष इस शिखर तक कदापि नहीं पहुंचेगा। मुझे देखकर आप दोनों स्तब्ध क्यों हो गए? पाखंड भरी भक्ति का ढिंढोरा पीटने वाले आप दोनों को मैं भली भांति जानती हूँ। दिति पुत्रों का अंत और दैत्य जाति के सर्वनाश के अतिरिक्त आपका कोई अन्य उद्देश्य ही नहीं है। दिति, तुम हर बात का अर्थ अपने से क्यों जोड़ लेती हो? क्योंकि आपकी हर बात किसी न किसी रूप में मुझसे और दैत्य जाति से जुड़ी होती है। सत्य क्यों नहीं कहते कि आप दैत्य जाति के सर्वनाश की प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थना का उद्देश्य मात्र संसार और संसार वासियों का कल्याण है। आपका ये उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब दैत्य जाति का सर्वनाश हो जाए। दैत्य माता के संबोधन से प्रसन्न होने वाली दिति, तुम दैत्य वीरों को परामर्श क्यों नहीं देती कि सर्वनाश के स्थान पर कल्याण करें, अशुभ के स्थान पर शुभ का प्रतीक बने, दुष्कर्म के स्थान पर सत्कर्म करें? जिस दिन राक्षस, दैत्य और असुर धर्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे, उस दिन उन्हें देवत्व की प्राप्ति होगी, वो पूजनीय बन जाएंगे। किंतु उस दिन तुम्हारे महागणेश की पूजा कौन करेगा? असुरों को पूजनीय पद की प्राप्ति महागणेश की भक्ति से ही प्राप्त होगी। देवी दीति, महागणेश की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले आपको तो पूजनीय पद प्राप्त नहीं हुआ। मैं आराधकों की आराधना भक्ति हूँ। मैं आराधकों को आराधना का स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। शंबुकी तारकासुर को कुमार कार्तिकेय का वध करने के लिए उत्साहित करती है। परम देव श्री महागणेश के दर्शन पाकर कश्यप व अदिति प्रसन्न हो जाते हैं। अदिति की पुकार पर श्री गणेश दिति को दंडित करते हैं। कार्तिकेय द्वारा असुरों की मृत्यु की सूचना सुनकर उत्तेजित तारकासुर स्वयं कार्तिकेय का वध करने का निश्चय करता है। स्वार्थ की दृष्टि से स्वामी के पूजनीय और सम्मान को आप देख भी नहीं पाएंगे दीदी। इंद्र जैसे कायर, चाटुकार और मेरे पौत्र तारकासुर की कृपा पर जीवित पुत्र को जन्म देने वाली तू किस मुंह से बोल रही है? क्या तुझे इस बात का भय नहीं लगता कि मेरे संकेत मात्र पर विश्व विजयी तारकासुर तेरे इंद्र का वध कर देगा? दीदी, इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। हम तुम सब तो निमित्त मात्र हैं, करने वाले तो परम देव श्री महागणेश ही हैं। इस पाखंडी ऋषि का प्रोत्साहन पाकर तेरा साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अदिति, सावधान, मेरे क्रोध की ज्वाला कहीं तुझे भस्म ना कर दे।
मेरा संकेत तेरे भीरू इंद्र के अंत का कारण बनेगा। मैं तुम्हारी इन चेतावनियों से भयभीत होने वाली नहीं हूँ। दीदी, मैं धर्म परायण स्त्री हूँ। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कठिन परीक्षाएं अवश्य देनी पड़ती हैं, किंतु अंतिम विजय उसी को प्राप्त होती है। परम देव श्री महागणेश, यदि मैंने पूर्ण निष्ठा से पतिव्रत धर्म का पालन और आपकी भक्ति की हो तो दीदी के प्रतिशोध को उचित दंड दे। देवी अदिति, तुम तो धैर्य की माता हो। आज तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं स्वयं चकित हो गया। स्वामी, यदि मुझसे कुछ अनुचित हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ, किंतु किंतु क्या देवी अदिति? वेद ज्ञान तो हमें यही शिक्षा प्रदान करते हैं ना, कि अत्याचार करने वाले से अधिक दोषी अत्याचार सहने वाला होता है। दीदी के अत्याचारों को मैं एक सीमा तक सहती रही, किंतु अब वो सीमा समाप्त हो गई है। देवी अदिति, वेद ज्ञान पर तुम्हारे पूर्ण अधिकार को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। जानती हूँ वेद में ऐसी शिक्षा क्यों दी जाती है? क्यों स्वामी? जब हम किसी का अत्याचार सहते हैं तो अत्याचार करने वाले को अपनी शक्ति पर मिथ्या अभिमान हो जाता है। इसी मिथ्या अभिमान में वो हरेक पर अत्याचार करता है। इसी कारण अत्याचार करने वाले का विरोध करके उसकी वास्तविक शक्ति का ज्ञान कराना परम आवश्यक है। देवी अदिति, चले स्वामी। कहा परम देव श्री महागणेश के प्रहार से आहत दीदी का उपचार करने। देवी अदिति, वास्तव में तुम एक ऋषि हो। आओ चल। तारकासुर प्रकट हो। तारकासुर दीदी, तारकासुर प्रकट हो। तारकासुर मेरे से काम लो। दीदी मेरे सम्मान की रक्षा करो, प्रकट हो। दीदी संयम से काम लो, धैर्य से काम लो। दीदी तारकासुर, दीदी प्रकट हो। तारकासुर दीदी प्रकट हो, धैर्य से काम लो, मेरे सम्मान की रक्षा करो। गुप्तचर कंप कंप शिव पुत्र को लेकर अभी तक क्यों नहीं लौटे? स्वर्ग के सुखों का भोग कर करके तुम सभी आलसी और भीर होते जा रहे हो। अरे मूर्खो, असुर जाति के महान शक्ति को कलंकित ना करो, अन्यथा स्वयंभू तारकासुर तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। अब ये बताओ कि कंप कंप अभी तक क्यों नहीं आए? किंतु स्वयंभू तारकासुर को अपनी सभा में तुम जैसे भीरों की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभू सम्राट तारकासुर की जय। छलिया देवताओं की भांति नारद ने भी हमारे साथ छल किया है स्वर्गाधिपति। छल? कैसा छल? किंतु स्वयंभू तारकासुर के गुप्तचरों की ऐसी दुर्दशा करने का दुस्साहस किसने किया? शिवगणों ने। आपकी कृपा से हम जीवित हैं स्वामी। उचित तो यह होता कि तुम दोनों शिवगणों के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तुम्हें अपना सेवक और असुर कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है, लज्जा। स्वामी, शिवगणों का भेष बनाकर हमने कैलाश का कोना कोना छान मारा, परंतु शिव पुत्र कहीं नहीं मिला। इसी कारण शिवगणों की दृष्टि हम पर पड़ गई। हाँ? शिव पुत्र कैलाश पर नहीं है?
शिव पुत्र कैलाश पर नहीं है तो फिर कहाँ है वो? स्वामी, शिव पुत्र नक्षत्र लोक में है। क्षेत्र लोक? कहाँ है नक्षत्र लोक? कहाँ है नक्षत्र लोक? ये हम नहीं जानते असुराज। असुर, इस ब्रह्मांड का कोना कोना छान डालो और नक्षत्र लोक का पता लगाकर शिव पुत्र कार्तिकेय को समाप्त कर दो। जाओ जाओ। जो आज्ञा स्वामी। अकम अकम, अब तुम दोनों का कार्य पूर्ण हुआ। स्वयं तार का सुर को तुम दोनों से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं थी। शिव गणों द्वारा अपनी ये दुर्दशा करवा के तुमने स्वयं उतार का सुर के नाम को कलंकित किया है। इसी कारण तुम दोनों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अब मैं उस शिव पुत्र कार्तिकेय को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं स्वयं तारकासुर हूं। तारकासुर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, स्वयंभू इस प्रकार स्वर्गाधिपति दैत्य राज तारकासुर की उपेक्षा का दुस्साहस ना करो। शुक्राचार्य ना करो। मेरी दृष्टि में तुम उपेक्षा के ही योग्य हो। नहीं शुक्राचार्य नहीं, मैं तो आदर और सम्मान के योग्य हूँ। जो व्यक्ति स्वयंभू का आदर नहीं करता उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरा वध करने का प्रयास तुम पहले भी कर चुके हो किंतु शिव कृपा से असफल रहे हो और भविष्य में भी असफल ही रहोगे। नहीं शुक्राचार्य, मैं इस समय तुम्हारा वध करने नहीं आया हूं। अपितु मैं तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि से कुछ जानने आया हूं। क्या स्वयंभू तारकासुर स्वयं देव दृष्टि के स्वामी नहीं? नहीं। आप मुझे बताएं कि दिव्य दृष्टि प्रदान कौन करता है। मैं शिक्षण उसे बंदी बनाकर पाताल के अंधकार में डाल दूंगा। संसार में दिव्य दृष्टि का प्रयोग करने वाला एकमात्र व्यक्ति बन जाऊंगा। एकमात्र व्यक्ति। परम देव श्री महागणेश के अतिरिक्त त्रिदेवों और त्रिदेवियों की कृपा से ही किसी प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उनको बंदी बनाना तो दूर, तुम जैसे दुष्कर्मी के लिए उनका दर्शन करना भी असंभव है। इसीलिए मेरा समय नष्ट न करो और चले जाओ यहां से। जब तक मैं आपकी दिव्य दृष्टि से अपने प्रश्न का उत्तर नहीं जान लेता तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, नहीं जाऊंगा। क्या प्रश्न है तुम्हारा? दैत्य गुरु, मुझे बताएं कि मेरा घोर शत्रु शिव पुत्र कहां है। मैं शिक्षण उसका वध कर दूंगा। इस शिक्षण। शिव पुत्र के विषय में मैं कुछ नहीं जानता किंतु यह अटल सत्य है कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम्हारा अंत शिव पुत्र के द्वारा ही होगा। असंभव। असंभव। एक क्षण भी आपकी भांति भक्ति और आराधना ना करने वाला नारद भी इस विषय में सब कुछ जानता है।
और आप नहीं जानते दैत्य गुरु शुक्राचार्य? ये तो आश्चर्य की बात है। क्योंकि मैं नारद जैसा परम भक्त नहीं बन सकता। नारद तो छलिया है, वो अपनी चतुराई से सबको भ्रमित करता रहता है। देवर्षि नारद की महानता के विषय में लिखने के लिए इस संसार के समस्त शब्द भी कम पड़ जाएंगे। उस महान भक्त शिरोमणि की भक्ति का पुराण लिखने के लिए इस संसार के समस्त भोज पत्र भी कम है। स्वयंभू दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं यहाँ नारद के प्रशंसा का पुराण सुनने नहीं आया हूँ, अब तो ये जानने आया हूँ कि इस समय शिव पुत्र कहाँ है। आप अपने सिद्धियों का प्रयोग करके बताएं कि वो किस नक्षत्र लोक में है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैंने आपके आदेशानुसार राक्षस शंभुक के पुत्री शंभुकी से विवाह किया, आपके आदेशानुसार, और अब आपको मेरी बात माननी होगी। नरकासुर, ना तो तुम मेरे शिष्य हो और ना ही तुमने मुझसे दीक्षा पाई है, और ना ही शाम्बुकी के साथ विवाह का आदेश मैंने तुम्हें दिया है। हाँ, दैत्य माता दीति को शाम्बुकी और तुम्हारे विवाह का परामर्श मैंने अवश्य दिया था। हाँ दैत्य गुरु, हाँ, जब स्वयं तारकासुर ने आपके परामर्श का सम्मान किया था, अब आपको उसकी इच्छा का सम्मान करना ही होगा। तारकासुर, ब्रह्म वाक्य अटल होता है, और ब्रह्म वाक्य के अनुसार जो तुम्हारा काल है वो तुम्हारे हाथों कैसे मर सकता है। इसीलिए शिव पुत्र को खोजने और मारने का विचार त्याग दो। दैत्य गुरु, आप दैत्य गुरु होकर ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं? यह तो दैत्यों की परंपरा है कि मारने वाले को मारने का अवसर देने से पहले ही मार दो, और मैं वही करने जा रहा हूं जो एक असुर का धर्म है। दैत्य गुरु, आपको दैत्य जाति के गौरव की सौगंध अपनी दिव्य दृष्टि से बताएं कि इस समय शिव पुत्र कहां है। दैत्य गुरु, आपको दैत्य माता दिति की सौगंध, आज आप दैत्य जाति के गौरव से मुंह नहीं मोड़ सकते। बताएं वो कहां है, बताएं। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, यदि अभी भी आपने नहीं बताया तो भविष्य में दैत्य जाति आपको दैत्य शत्रु कहने में संकोच नहीं करेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने आराध्य शिव का प्रसन्न करने के लिए आप दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तुम सोचे शुक्राचार्य, सोचे, क्या दैत्यों की सहायता करना दैत्य गुरु का कर्तव्य नहीं है? तारकासुर, मैं अपने कर्तव्य को भली भांति जानता हूं, मुझे भविष्य की चिंता भी नहीं है, क्योंकि भविष्य को बहुत दिनों तक सत्य से अनजान नहीं रखा जा सकता। एक न एक दिन भविष्य इस सत्य से परिचित हो जाएगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही दैत्यों के हित चिंतक और हितैषी है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य जाति का वर्तमान भी आपको दैत्य का हितैषी और हित चिंतक मानता है। इसी कारण तो स्वयं भूतार का सुर तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। अब बताओ कि शिव पुत्र कहां है। गुरु,
आपने कुछ देखा ही नहीं अथवा आप कुछ बताने के इच्छुक नहीं हैं। तारकासुर, शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं। शिव पुत्र के द्वारा ही तुम्हारे दैत्य जीवन का उद्धार होगा, किंतु अभी वो समय दूर है। तुम अपने दुष्कर्मों से उस समय को समीप क्यों लाना चाहते हो? दत्तगुरु शुक्राचार्य, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, अब आप दैत्य गुरु से दैत्य शत्रु बन चुके हैं। ना तो आपको दैत्य जाति के गौरव की चिंता है और ना ही दैत्य माता दीति की दी गई सौगंध की। आप दैत्यों के हितों को ठोकर मारकर दैत्य शत्रुओं का गुणगान कर रहे हैं। दैत्य शत्रुओं का गुणगान? और कासुर, मैं तो काल से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। स्वयंभू स्वयंभू स्वर्गाधिपति वरदानी तारकासुर को आपकी प्रदान की हुई रक्षा की आवश्यकता नहीं है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वयं बहुबली है। यदि आप में तनिक भी आत्मसम्मान शेष है तो दैत्यों के हित और दैत्य माता दिति के सौगंध के कारण मुझे नक्षत्र लोक का पता बताएं। तारकासुर, शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में पल रहा है, वो वहां सुरक्षित है, किंतु तुम उस बालक को हानि पहुंचाने का दुस्साहस कदापि न करना, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। स्वर्गाधिपति तारकासुर भली भांति जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।